कहता हूँ आप जबलपुर आ। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ अभी जबलपुर। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है जबलपुर का स्टेशन, और जबलपुर में आज हम घूमने जा रहे हैं। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जबलपुर में घुमाने के लिए धुआंधार वाटरफॉल्स। जी हाँ, वहाँ पे हम जाके चिल करेंगे, नहाएंगे वाटरफॉल्स में। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप जबलपुर में एक दिन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ स्कूटी बाइक रेंट आपको कहाँ से लेनी है, जबलपुर के रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आपको स्कूटी बाइक रेंट लेनी है। और मैं इसको ऑफिस दिखाता हूँ आपको, ये है ऑफिस नमा करके, ठीक है। यहाँ से आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। और हमने जो स्कूटी ली है वो देखो, ये रही क्लिक, हमने स्कूटी रेंट पर ली है ओनली। हमने वैसे 24 घंटे के लिए मिलती है, लेकिन हमारी रिटर्न की टिकट ही आज ट्रेन है रिटर्न की है, तो हमने ओनली 12 घंटे के लिए ली है। बाकी का हम चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जबलपुर को, और धुआंधार वाटरफॉल्स में चिल करते हैं। आपको दिखाते हैं आपको कैसे जाना है। सारी डिटेल, सारी जानकारी मैं दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपका कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, कहाँ रुकना है, कहाँ पर स्टे करना है और कितना सब, वो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये है जबलपुर का रेलवे स्टेशन, और हम निकल चुके हैं अब स्कूटी लेकर यानी कि चिल करने के लिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो स्कूटी रेंट लेने के बाद हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भराने। स्टेशन के नियर बाई पेट्रोल पंप है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल्स के मेन एंट्रेंस पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सिटी बस लगी हुई है, ये आपको रेलवे स्टेशन से 35 रुपये में यहाँ तक छोड़ती है। बाकी का मैं आपको एंट्री गेट दिखाता हूँ सामने, ये है एंट्री गेट। अगर आप बाइक या गाड़ी लेकर आते हैं तो आप यहाँ पे पार्किंग में लगा सकते हैं। बाइक का फी है 10 रुपये, गाड़ियों का 50 रुपीज़ है। जैसे ही दोस्तों आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कर सकते हैं। तो चलते हैं वाटरफॉल्स की तरफ और आपको दिखाते हैं वाटरफॉल्स में क्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारी, वैसे सामने रोड से दिख जाता है, एक रोपवे भी है यहाँ पे। से आगे आप ना बाइक लेके जा सकते और ना ही गाड़ी, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते रहिए, आप वीडियो को लास्ट तक इंजॉय करते रहिए। दोस्तों अपन अभी यहाँ से गॉगल्स ले रहे हैं, आप देख सकते हैं पार्किंग से निकल के ही आप गॉगल्स यहाँ से ले सकते हैं। धूप बहुत है और मैंने एक परचेज कर लिया, जैसे देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, अभी एक ले लिया है। हमारे हर्ष भाई हैं वो भी अभी ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से 99 की सेल है, मतलब 99 रुपीज़ में आप यहाँ से ले सकते हैं। लगा के जाइए आराम से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और यहाँ से लेके हम निकलते हैं, थोड़ी देर में आपको वाटरफॉल दिखाते हैं और वहाँ पर जो जो एक्टिविटी एरिया है वो सारी की सारी हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इन्जॉयमेंट मिलने वाली है वीडियो में। तो देख सकते हैं अभी हम दोनों ने एक एक गॉगल्स ले लिया है और निकल दिए हैं हम धुआंधार। उसका वाटरफॉल्स का नाम है धुआंधार। जी हाँ, बहुत धुआंधार होने वाला है, देखते हैं कितना धुआंधार हमको मिलता है। और बाकी का रास्ता देखिए आप सामने, ये है रास्ता, और यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, अपने घर लेके जा सकते हैं। और चलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप पार्किंग लगा के सामने से इधर आएंगे मार्केट होते हुए, तो ये रास्ता देखिए, ये है रोपवे का रास्ता। जी हाँ, यहाँ आज संडे है और सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ पे। और इसका टिकट फेयर मैं आपको बताऊँ, 95 रुपीज़ का टिकट फेयर है आना जाना, यानी कि दोनों 95 रुपीज़ में आ सकते हैं, जा सकते हैं। जी हाँ, पैदल जा सकते हैं आराम से चिल करते हुए। तो हम लोग भी पैदल निकल रहे हैं। बाकी का आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सारा रश है, तो हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप आएँ तो जल्दी आ जाएँ, सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। बाकी हम चलते हैं पैदल वाले रास्ते से, आपको सारी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखती रहिए। पैदल का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, नीचे आप जाएंगे देख सकते हैं, और मैं आपको सामने दिखाऊँ, ये है रोपवे, सामने आप देख सकते हैं, रोपवे से भी आप जा सकते हैं।
ठीक है, वो ऑप्शन है आपके पास। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पैदल ही जाइए, क्योंकि पैदल में जो इन्जॉयमेंट मिलेगा ना आपको, वो रोपवे से नहीं मिलेगा। रोपवे से आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे और कुछ नहीं, जो नीचे का है ना इन्जॉयमेंट वो आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे। अभी ठंड का टाइम है, ठीक है, धूप हो रही है, वैसे इतना ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन सुबह शाम को ठंडी होती है। भैया कितने रुपए है घोड़े सवारी का? 50 रुपए भैया। कितना कमाते हो? इधर से नाली के आगे तक लेके जाएंगे रेंजी का। अच्छा दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं कितना ज़्यादा रस हो रहा है। आज संडे का दिन है, सब लोग चिल करने आए हैं, और यही है सामने धुआंधार वाटरफॉल्स। अभी आपको करीब लेकर चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, अब जस्ट आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ धुआंधार वाटरफॉल्स। ये देखिए, ये है धुआंधार वाटरफॉल्स, इसी को धुआंधार वाटरफॉल्स बोला जाता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है धुआंधार वाटरफॉल्स, जिसमें पानी का जो फ्लो है ना काफ़ी तेज है, इसलिए इस पानी का ना स्टीम बन रहा है, और वही इसी को बोला जाता है धुआंधार वाटरफॉल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप भी है, गहरा है, आप कभी आएँ सेफ्टी से रहें, वो ज़्यादा दूर आगे ना निकलें। बाकी का आप देखिए नज़ारे को, इन्जॉय कीजिए। आप लाइव आओगे तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। वीडियो में इतना बता नहीं पाऊंगा, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लाइव आओगे ना वो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप व्यू को एंजॉय कीजिए। आपने देखा कितना शानदार नज़ारा वाटरफॉल्स, जिसका वाटर फ्लो काफ़ी फास्ट है, मतलब तेज़ है, स्पीड उसकी बहुत तेज़ आ रही है, इसलिए वहाँ से स्टीम बनता है और धुआं निकलता है। आप देख सकते हैं, आपने इतना अच्छा नज़ारा देखा। अभी चल रहे हैं हम इसके साइड में, जहाँ से पानी आ रहा है नदी की ओर, उस साइड चिल करेंगे हम, और देखते हैं ट्राई करेंगे वहाँ पर अगर नहाने की एक्टिविटी है तो हम नहाएंगे भी। आप देख रहे हैं भैया वाटरफॉल्स, उसी उधर जाएंगे, उधर से आ रहा है पानी है, तो ये नदी है एक, और इस एरिया में जाएंगे आगे आप, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, नहा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं उधर लास्ट में, वहाँ चलते हैं आगे, और आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए पूरा। और काफ़ी मतलब पथरीला रास्ता है, मतलब पत्थर ही पत्थर हैं सारे के सारे, और क्योंकि धूप निकल आई है तो गर्मी बहुत हो गई है, आप आराम से यहाँ पर चिल कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और वाटरफॉल है ना, उससे थोड़ा सा दूर आगे जा रहे हैं हम, जहाँ से वाटर आ रहा है। जैसे ही इधर की तरफ आओगे तो बहुत सारा पथरीला रास्ता मिलेगा, वहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया है जो सिंपल रास्ता था। ठीक है, वहाँ से आने के बाद यहाँ पर पत्थरों का रास्ता मिलेगा, तो आपको संभल के चलना होगा, अगर आप फिसले तो आपके सर में चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा केयरफुली चलना। ठीक है, क्योंकि रास्ता है नहीं आगे बना हुआ। आगे देखें, देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी फैमिली आई हुई हैं, और यहाँ पर दाल बाटी वगैरह बना रही हैं, लिट्टी चोखा देख सकते हैं आप, गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बन रहे हैं जी हाँ। और देखिए सामने का व्यू, आप देख सकते हैं कि गाने भी चल रहे हैं साथ में, लिट्टी चोखा बन रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो दाल बाटी बना रहे हैं, लिट्टी चोखा दाल बाटी है ना, दाल बाटी। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? तेंदुखेड़ा। देख रहे हैं ना कैसे लोग बहुत दूर दूर से आए यहाँ पे चिल कर रहे हैं सब, मतलब दाल बाटी का मज़ा। जी हाँ, घर से बाहर निकलने के बाद जो दाल बाटी का मज़ा है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। और चलिए हम आ गए हैं अब अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि अब हम यहीं पे कहीं पे नहाएंगे। आप देख सकते हैं सामने का एरिया, यहाँ कहीं हम सेलेक्ट करते हैं कोई एरिया, फिर यहाँ पर हम नहाते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर, मतलब नदी के किनारे पर आ गए हैं, और ये जगह हमने ये प्लेस सेलेक्ट किया है, अब यहीं पे हम चिल करेंगे, नहाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं वाटर का फ्लो इधर जा रहा है, सीधा वो आगे धुआंधार वाटरफॉल है वहाँ पे आगे, मतलब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब पत्थरों पे ना स्काई लगी हुई है, तो आप संभल के अंदर आना। ठीक है, वरना हम
अब हम नहा के इन्जॉय करते हैं, ठीक है। आप भी वीडियो को इन्जॉय करते रहिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों नहा के हम हो गए रेडी, अब निकल रहे हैं, लंच का टाइम हो गया, हमें लग रही है भूख लग रही है, तो लंच करते हैं हम यहाँ से। लंच करने के बाद निकलेंगे हम सीधा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन है। और अब हमारे साथ हर्ष भाई और हम निकल चुके हैं। आपने नज़ारा देखा, अब मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देता हूँ। आप देखिए सामने का नज़ारा, यही है वो रिवर जहाँ से रिवर आ रही है। और आगे चल के आप देखेंगे वहाँ जाके जो लास्ट पॉइंट है ना, वहाँ पर जाके धुआंधार धारा, मतलब उसको बोला जाता है वाटरफॉल धुआंधार। तो दोस्तों हम तो धुआंधार वाटरफॉल में नहा लिए हैं, तो अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ आप जबलपुर आ रहे हैं तो कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको कैसे आना होगा। मैं सबसे पहले बताऊँ, जबलपुर रेलवे स्टेशन आइए या फिर बस स्टैंड आइए, वहाँ से आपको डायरेक्ट सिटी बस मिलती है। जबलपुर रेलवे स्टेशन से जो सिटी बस मिलती है उसका फेयर है 35, यानी कि आपको वो बस मिलेगी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो वहाँ से आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं अगर आप शेयरिंग में आना चाहते हैं तो, वरना आपका एक दिन का या दो दिन का टूर है तो आप स्कूटी रेंट कर लीजिए हायर पे। स्कूटी आपको 400-500 रुपये में स्कूटी मिल जाती है एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, जिसमें फ्यूल आपको डलाना होता है, बाकी का 24 घंटे के लिए स्कूटी आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊं, वहाँ से आप स्कूटी रेंट ले लेते हैं या फिर शेयरिंग में आते हैं तो जहाँ पार्किंग के एरिया मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर पार्क करके अपनी गाड़ी या फिर सिटी बस से आते हैं, तो वहाँ से उतर के आप अपना लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वाटरफॉल में आइए। और जो रोपवे का मैंने आपको पहले ही बता दिया, रोपवे का फिर से आपको बता देता हूँ, आना जाना रोपवे का जो फेयर है वो है 95 रुपीज़ में। जी हाँ, रोपवे में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि रोपवे से आओगे तो आप देखो मेरे सामने एरिया देखो, वो सामने आपको एक एरिया एक पार्क सा दिखाई देगा, वहाँ पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे कोई लोग नहीं है और ना नहाने का इतना, जो हमारे पास नहाने की जगह थी वो वहाँ पे उस साइड में नहीं है, क्योंकि उस साइड में बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो है, आप वहाँ पर नहा भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पैदल आइए, रोपवे में पैसे वेस्ट मत कीजिए, पैदल का रास्ता कोई दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर है, मतलब 1000 मीटर कम बहुत कम ही होता है, 5 मिनट का रास्ता होता है, आराम से आइए चिल करते हुए, ठीक है। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप कपल्स भी आ सकते हैं, आप फ्रेंड के साथ ग्रुप के साथ आ सकते हैं, कैसे भी आइए, सब तरीके से यहाँ पे चिल कीजिए, पिकनिक की तरह आप यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमने देखे थे, आपने वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे किए हुए हैं, लिट्टी चोखा बना रहे हैं, बाटी दाल बाटी वगैरह बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। और धुआंधार वाटरफॉल्स का मज़ा लेने आइए आप जबलपुर। जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर है जो आप यहाँ पर आके इन्जॉय कर सकते हैं सब कुछ। तो आइए आप कभी जबलपुर में तो यहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल्स पर एक बार विजिट कीजिए, काफ़ी शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए हैं, आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं सब कुछ है ना। और अपनी सावधानियां मतलब बरतना और यहां पे मतलब ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे पत्थरों का रास्ता है, अंदर मत जाना। देखो ये लोग अंदर गए हैं और अनाउंसमेंट हो रहा है अंदर ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि पत्थर का रास्ता अगर आप फिसले तो बहुत चोट लग सकती है आप सबको। तो एक बार मैं आपको फिर से टूर करा देता हूँ धुआंधार वाटरफॉल का, ठीक है। तो देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको, ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है धुआंधार वाटरफॉल। जी हाँ, यहाँ पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते हैं। आप भी जबलपुर आ रहे हैं तो आइए एक बार यहाँ पे और यहाँ पे विजिट कीजिए। अभी मैं वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना, लेकिन आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। बाकी का आप देख सकते हैं कितने सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आए हुए हैं बहुत दूर दूर से एंजॉय करने के लिए। तो आप लाइव आइए और यहाँ पे आने का एंजॉयमेंट कीजिए, एंटरटेन बहुत मिलेगा आपको, आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार, वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और लंच किया था हम लोगों ने, और हमने दाल मखनी और गोभी आलू की सब्ज़ी ली थी, लेकिन किसी मतलब का खाना नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ वो रेस्टोरेंट जिससे हमने खाना खाया था, तो आप मेरे सामने देखिए, ये सनी भोजनालय और इसके आगे एक आराधना, हमने यहाँ से खाना खाया था और इसी के बगल में एक ये है यादव रेस्टोरेंट। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कभी भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे लंच डिनर कुछ मत करना, आपको किसी मतलब का खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप सिटी में जाइए, वहाँ पे किसी भी होटल या रेस्टोरेंट से खाना खाइए, यहाँ से लाख गुना अच्छा खाना मिलेगा। हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। चलिए दोस्तों हम निकलते हैं अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। स्कूटी जो हमने हायर की थी रेंट पर वो भी हमें वहाँ पर देनी है, तो अब हम निकलते हैं। आप कमेंट करके बताएं ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आपको मिलेंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, जय हिंद।